शरद पवारांची पत्रकार परिषद। मुझे खुशी है नीतीश जी और उनके सभी सहयोग इन लोगों से हम लोग की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र उनको बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वाहन वाले अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फोन हुआ, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में ये भी स्थिति है, मगर ये स्थिति और इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है ये आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने उनके साथियों ने हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है यही कहने के लिए ये आए थे। मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग बैठे थे, उनके पार्टी के साथी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे, अन्य जो पार्टी है सिक्योर वो सब लोग थे। ये सभी में इसी लाइन पर बात हुई और मिलने की आवश्यकता है इस पर एक वाक्यता हुई है। और इसकी प्रक्रिया जो नीतीश जी ने शुरू की है इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनको दो शब्द बोलने का सुझाव देता हूँ। ठीक है, तो साहब ने सारी बात कही दी तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए और पहले भी मिले। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है, अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि देश के हित में होने जा रहा है, आप जान लीजिए। जी, एक सवाल है। पवार साहब, यूपीए आहे, यूपीए बरोबर राहून अशा पद्धतीने विरोधी पक्षांची सगळी एकजूट होणार आहे। हो सकते है, जहाँ तक यूपीए में हम काम करते हैं तो वहाँ तो सभी की सहमति है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सब जो वहाँ रहते हैं उद्धव जी के नेतृत्व में शिवसेना हो, कांग्रेस तो है ही, हम लोग है ही, और यहाँ के और छोटे तो फाटिज है, उनके साथ भी हम बात करेंगे, उनसे काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। नहीं, जो एक गठबंधन बनेगा तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लगे हुए, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से
नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। नीतीश जी एक सवाल यह है, बिल्कुल बिल्कुल साथ में तो साथ ही रहते हैं, सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। नीतीश जी एक सवाल यह है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले, एक मिनट, पटिया में रिजाइन कर दिए थे, हम सबको खराब लगा था, अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो ये सब यूपी का चेहरा हो गया, चेयरमैन का चेहरा? अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना, अभी तो अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं, तो सब बैठे मिलकर काम करना, यहाँ के काम होते है, चेहरा वेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे सामने चाहिए। पवार साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में निकाल लगना, ये खत्म हो गई। आपसे एक सवाल है, एक मिनट तेजस्वी जी, आपसे एक सवाल है, पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक में ब्लूप्रिंट के बारे में भी बातचीत होगी, सर क्या कुछ प्लानिंग? भाई अभी जो बैठक होगी ना वो तो उसके बारे में सब आपको समय पर बताएंगे। एक सवाल है, आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, जिस तरीके का उनके साथ पार्टी की जो तोड़फोड़ मरोड़ हुई है और आज कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या लगता है कि उसके जैसे व्यक्ति आपके साथ रहने से उनकी पार्टी की ताकत आपको मिलेगी या आपकी वजह से उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी? तो आए थे भाई, देश का जो सवाल है सब, देश के सवाल के लेकर के एक होने के लिए हम लोग आए, बिल्कुल वो तो सारे प्रेस वालों से तो उनकी बातचीत हो ही गई। निरीक्षण नोंदवण्यात आलं की उद्धव ठाकरेंनी जर राजीनामा दिला नसता तर कदाचित मी वेगळा विचार केला असता कोर्टाचं जजमेंट मध्ये म्हणण्यात आलंय। तुम्ही स्वतः म्हणाला होता की जर अधिकाराचा चर्चा करण्याचा अर्थ नाही, माझ्या पुस्तकात मी लिहिले की जयंत पाटलांना ईडीची नोटीस आली आहे आणि दुसरीकडे निकाल पण आलाय, भेटीला आले होते। ही भेट झाल्यानंतर या दोघांनी मिळून पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, विरोधकांची एक मोठी आघाडी बनवायची आहे, त्याकरता मी शरद पवारांना भेटायला आलेलो आहे। भाजप देशहिताचं काम करत नाहीये, मविया म्हणजेच सगळे पक्ष एकत्र आले तर एक मोठं गठबंधन तयार होईल आणि ते या देशहिताच्या कामाकरता प्रयत्न करेल। यूपीएत सर्व सहमती आहे, पवारांनी जर या सगळ्याचं नेतृत्व स्वीकारलं तर आनंदच होईल असं नीतीश म्हणालेले आहेत, नीतीश कुमार म्हणालेले आहेत। मुंबई दौऱ्यावर आहेत ते, विरोधकांची मोठी आघाडी बनवायची आहे त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असं ते म्हणाले। वहां के बारे में जो रिपोर्ट आई है तो उसमें तो जितनी रिपोर्ट आई है तो जिसमें ज्यादातर लिखा ही हुआ उनके पक्ष में, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आपण एकतर कसं बघताय आणि दुसरा जयंत पाटलांना पण ईडीची नोटीस आली। असे आहे की जयंत सर ईडीची आणि आणखी काही लोकांना आम्ही सगळेजण वाट बघतो, कधी आम्ही कुणाला हा सातत्याने केला जातो त्याचे उत्तम आहे, पण आम्ही त्याच्याशी लढू। राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिले आणि मला वाटतं की जाहीर खानानं मी त्याच्यावरती इच्छा असताना एकदम बोललेलो आणि अरे भाई कहाँ सभा होगी, कहाँ विपक्षियों की एकता की सभा होगी, वो तो उसके बाद घोषित होगा, अभी काहे के लिए कह रहा हूँ, अभी कुछ कहना चाहिए आप लोगों को भी। सत्ता संघर्षासंदर्भात जो फैसला झाला त्याच्याविषयी फारसं बोलायला शरद पवार उत्सुक नव्हते, नीतीश कुमार आणि शरद पवार यांच्या भेटी संदर्भात सविस्तर ते बोललेले आहेत।
ईडीच्या नोटीस जी जयंत पाटलांना आली आहे त्याच्याविषयी त्यांनी एका वाक्यात उत्तर दिलं की आम्ही अजून किती किती नेत्यांना नोटिसा येतात याची वाट बघतोय. सत्तेचा गैरवापर केला जातो, यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय. एक मोठी आघाडी, एक महाआघाडी उभारण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि म्हणून ही भेट होती असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या सगळ्या घडामोडींसह बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. काही क्षणात पुन्हा भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.